This is Pratyush Tandon, your host for KM Podsword, with conversations beyond norm and ideas on air. Today, we have with us Mr. Sanket Patel, CEO, Gujarat Road Safety, to discuss important insights about road safety. नमस्कार सर, कर्णावती यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले कैसा लगा आपको हमारा कैंपस? बहुत ही बढ़िया, और यहाँ के स्टूडेंट्स जो यंग जनरेशन है और अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जैसे डेंटल है, कंप्यूटर है, डिज़ाइन है, और इनके माध्यम से हम ऐसे यंग जनरेशन के माध्यम से रोड सेफ्टी काफ़ी हद तक इंश्योर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए आपके बारे में और आपका रोल क्या है रोड सेफ्टी के ओर। मेरा नाम संकेत पटेल है, मैं गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी में एज ए चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर पिछले 3.5 साल से हूँ, और हमारा रोल स्टेट में, गुजरात स्टेट में रोड एक्सीडेंट एंड फैटलिटीज़ को कम करना है, और इसके लिए जो भी अलग अलग मेजर्स जैसे कि रोड इंजीनियरिंग में सुधार, एनफोर्समेंट के जो भी मेजर्स होते हैं वो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड हाउ टू एनहेंस द इमरजेंसी सर्विसेज, सो बाय दिस मेजर्स हम ये इंश्योर कर पाते हैं और स्टेट में रोड सेफ्टी कम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम ये काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते आ रहे हैं और आज की तारीख में वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अगर हम उस बारे में चर्चा करें तो जो जुवेनाइल लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र के नीचे हैं और वो भी आजकल गाड़ियां चला रहे हैं और ओवर स्पीडिंग के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल न्यूज़ में, और अहमदाबाद जैसे शहर में तो वो बहुत कॉमन है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और उसके लिए आप क्या स्टेप्स ले? जी बिल्कुल, अभी की कुछ ऐसी घटनाएं बहुत हुई है शहर में और स्टेट में भी कि रेकलेस ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत सारी जाने जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसे कम करने के लिए हम एनफोर्समेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, दूसरा हमारी पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्टर पॉलिसीज पेनल्टीज कर सकते हैं, और पब्लिक के अंदर एक सेंसी संवेदना के माध्यम से डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको ऐसी रेकलेस ड्राइविंग के गंभीर परिणामों से अवेयर कर सकते हैं कि जिससे वो खुद की भी जान जोखिम में न डाले और दूसरे लोगों की जान भी बचा सके। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें लॉ की और उसके एग्जीक्यूशन की ऑन ग्राउंड, हम देखते आ रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ा गैप है कहीं ना कहीं। जब भी ये केसेस बढ़ रहे हैं या इनके होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो पॉलिसी मेकिंग होता है और एग्जीक्यूशन होता है उसके बीच में जो गैप, मैं मानता हूँ कुछ हद तक होते है, लेकिन वहाँ ही हमारा रोल शुरू होता है एज अ रोड सेफ्टी अथॉरिटी। तो हमारा मेन काम कोऑर्डिनेशन का है, और जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनके सजेशन लेके एंड डेटा ड्रिवन इंसाइट्स के माध्यम से पॉलिसी इस तरह से डिसाइड की जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे से हो सके। दूसरा एक चीज़ है कि जो भी स्टेक होल्डर है, जो इम्प्लीमेंटर्स है, उनकी रेगुलरली ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, और एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश की जा सकती है, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हम ये गैप दूर कर सकते हैं। सर, आपने बात करी फीडबैक मैकेनिज्म की, अगर हम बात करें बेसिक रोड सेफ्टी मेजर जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट, वो भी अहमदाबाद या गांधीनगर जैसे शहर में बहुत कॉमन नहीं है, लाइक पीपल स्टिल अवॉइड इट, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं या फिर हम यूथ को स्पेशली कि
कैसे अवेयर कर सकते उसके बारे में? जी बिल्कुल, ड्यू टू नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट एंड सीट बेल्ट अबाउट मोर देन 40% फेटलिटीज आर अकर. सो हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी बेसिक मेजर्स सेफ्टी मेजर्स के लिए ऑब्वियसली एनफोर्समेंट स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनफोर्समेंट के माध्यम से एनफोर्समेंट को एनहेंस कर सकते हैं. और जहाँ तक पब्लिक अवेयरनेस की बात है तो उसमें हम इन्फ्लुएंसर और लोकल लीडर के माध्यम से और उनके इंक्लूजन से उनकी हेल्प लेके हम पब्लिक को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि विदाउट वेयरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट रास्ते पे गाड़ी और टू व्हीलर चलाना कितना जोखिमी है और मैक्सिमम चांसेस है कि आप टू व्हीलर लेके जा रहे हो और हेलमेट नहीं पहना और एक्सीडेंट हो रहा है तो 80% आर चांसेस आर फैटलिटी. सो पब्लिक की सेंसिटाइज के लिए हम टारगेट ओरिएंटेड अवेयरनेस कैंपेन चला के पब्लिक को इस गंभीर जो उसके परिणाम है नहीं पहनने के लिए नहीं पहनने की वजह से सीट बेल्ट और हेलमेट तो उससे हम वाकिफ कर सकते हैं. और एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेजेस के साथ मिलके उनके स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको अवेयर कर सकते हैं और उनको सीट बेल्ट हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर सकते हैं, जिससे हमको बहुत लोगों में एक बार एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये एक इसकी वजह से हमारी जिंदगी रोड पे हमारी जिंदगी को खतरा है तो हम आसानी से ये लो एनफोर्समेंट करवा सकते हैं. बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जैसे आपने बात करी अवेयरनेस और इंक्लूसिविटी की रोड सेफ्टी मेजर्स की, तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का क्या योगदान है उस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल, अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोड सेफ्टी में भी टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. जैसे कि हम अभी जो रोड एक्सीडेंट होते हैं फैटलिटीज होती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस करके एक पोर्टल है जो NIC दिल्ली ने डेवलप किया है. तो उसके माध्यम से सभी रोड एक्सीडेंट उसमें रिकॉर्ड होते हैं, वो पूरा एक डेटाबेस रहता है और उस डेटाबेस के आधार पर हम एनालिसिस करते हैं जिससे कि हाई रिस्क स्ट्रेचिज रोड को आइडेंटिफाई करके उसी के ऊपर फोकस करके पूरा हमारा सोर्सिस है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कि जिससे हम उस एरिया पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं. दूसरी हम बात करें कि इमरजेंसी सर्विसेज, तो अभी 108 सर्विसेज इज़ यूजिंग ऑलरेडी बेटर टेक्नोलॉजी फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज. एंड आपने बात की कि सोशल मीडिया की, तो डेफिनेटली जो भी क्रिएटिव कंटेंट के माध्यम से ज़्यादा लोगों को अवेयर कैसे किया जाए तो उसमें भी एक सोशल मीडिया बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी रोड सेफ्टी रिगार्डिंग जागरूकता फैला सकते हैं. सो सर, मूविंग टुवर्ड्स द एंड, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि बेसिक 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए रोड सेफ्टी के लिए? रोड सेफ्टी इज अ मैटर ऑफ सेफ्टी ऑफ ऑल रोड यूजर. सो सभी लोग के लिए जितना भी उनका ड्राइविंग बिहेवियर अच्छा होगा, मतलब गलतियां लोग जितनी रोड पे कम करेंगे उतने ही कम एक्सीडेंट होंगे. तो मेजर फैक्टर फॉर द एक्सीडेंट इज अ ह्यूमन मिस्टेक्स एंड ह्यूमन मिस्टेक के अंदर भी मेजर 3 फैक्टर्स है, जिसका एक ओवर स्पीडिंग है. तो ओवर स्पीडिंग के अंदर अपना रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है और एक्सीडेंट की सीवियरिटी बढ़ जाती है. दूसरी चीज़ है नॉन वेयरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट. तो ऐसे सेफ्टी मेजर्स को नहीं पहनने की वजह से मैंने पहले बताया कि 40% से ज़्यादा फैटलिटीज़ हो रही है. और तीसरा है डिस्ट्रक्टिंग ड्राइविंग.
तो ड्राइविंग करते समय हमारा ध्यान संपूर्ण तौर से ड्राइविंग के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर फैटलिटीज़ में जहाँ डिस्ट्रैक्टिंग ड्राइविंग होता है वो ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते, बातचीत करते, खाना पीना ऐसी चीज़ अवॉइड करें। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर, इसके ऊपर हम पूरी ध्यान और अवेयरनेस लाए लोगों में, तो जो सड़क पे अपनी गलती की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही है वो मेरे ख्याल से कम हो सकती है। बिल्कुल सर, रेकलेस ड्राइविंग एंड वेयरिंग अ सीट बेल्ट एंड हेलमेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन KU पॉडकास्ट। होप यू हैड एन वंडरफुल सेशन। थैंक यू वेरी मच।